हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा चौहान ब्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम रेडी हुए हैं। तो गाइस, आज जा रहे हैं हम नैना देवी टेम्पल। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम जाएंगे तो वहाँ की आपको हर एक मतलब वीडियो आपको दिखाएंगे वहाँ जाके। तो अभी हम जा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप, हम जो है वो रेडी हो गए हैं। अभी अनाया को जो है अभी मैंने रेडी करना है, तो ये चले गए हैं नीचे गाड़ी के पास। तो बोला कि तब तक मैं गाड़ी वगैरह को धो लेता हूँ अच्छे से। तो अभी हम जो है, जब हमने गाड़ी लाई थी तो उस टाइम हम गए भी नहीं थे कहीं। तो गए तो थे, हम सिर्फ वहीं पे गए थे कोयला माता के टेंपल, जो हमारी कुलज है, जो हम बोलते हैं कि हमारी जो कुलज है वो जैसे माई जैसे ससुराल वाली साइड की, तो वो हमारी जो है कोयला है। तो वहाँ पे तो गए थे, पर वहाँ की भी मैंने आपको वीडियो जो है वो नहीं बनाई थी वहाँ पे जाके। तो करके तो फिर अभी हम जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल बिलासपुर, जो बिलासपुर में है। तो अभी वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ की आपको वीडियो आपको जो है बताएंगे। तो गाइस, अभी हो लेते हैं हम रेडी, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। अभी मैं अनाया को भी रेडी कर लेती हूँ, तो अनाया को रेडी करने के बाद हम चलेंगे नीचे। तो हमारे साथ कोई और भी जा रहा है, तो ये मतलब हमारे साथ ही रहते हैं यहाँ पे। तो इनके हस्बैंड भी हमारे मतलब मेरे हस्बैंड के साथ ही जॉब करते हैं यहाँ पे, पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो फिर अभी मिलेंगे हम थोड़ी देर में। तो अभी चलेंगे हम, अभी देखिए 11 बज रहे हैं, तो अभी टाइम लगेगा हमें, कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो अभी जो है मैं जल्दी से जल्दी रेडी हो लेती हूँ, तो आपसे मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, अभी निकल रहे हैं हम, देख सकते हैं अभी गाड़ी में बैठ गए हैं। तो अभी चलते हैं हम, ये जो पीछे बैठे हुए ये भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। इधर अनाया को देखो कैसे बाहर देख रही है। तो अभी चलते हैं हम नैना देवी टेम्पल को, तो देख सकते हैं आप अनाया को कैसे। एक तो बच्चों के साथ जाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये तंग करते हैं। तो अभी चलते हैं जयकारा लगा के। थोड़ी देर के लिए, तो अभी 5 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। तो अभी फिर से चलते हैं हम। यहाँ है हमारी गाड़ी, ये देख सकते हैं आप। तो अभी चलते हैं फिर से।
तो गाइज अभी थोड़ा सा रास्ता रह गया है, अभी पहुंचने ही वाले हैं हम। तो गाइज यहाँ पे पहुंचने के लिए नैना देवी टेम्पल के लिए आप रोपे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज देख सकते हैं हम नैना देवी टेम्पल जो है वो पहुंच गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम जो नैना देवी टेम्पल है वो कुंजा शक्ति पीठों में से जो है एक है। और ये जो है शिवालय की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये बना हुआ है ये मंदिर। और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं पंजाब का पूरा व्यू यहीं से दिख जाता है ऊपर से, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। तो गाइज अभी पहुंच गए हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से ऊपर को हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा, मतलब कम से कम हमें 200 जो मीटर है वहाँ मंदिर तक जो है वो पैदल चल के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी चलते हैं ऊपर को मंदिर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दुकानें देख सकते हैं, यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। जो दुकानें हैं वो बहुत ही सुंदर लगती है यहाँ पे देख के, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि जैसे सिंगार की वो हो इन दुकानों का। तो अभी जो है हम चल रहे हैं ऊपर को नैना देवी टेम्पल को। और जो नैना देवी टेम्पल है ये जो है इकुंजा शक्ति पीठों में से जो है एक है। और ये शिवालय की पहाड़ियों पे बना हुआ है। तो बताया जाता है कि जो एक गुज्जर था जिसका नाम नैना गुज्जर बोलते हैं उसको, तो उसको जो है सपना आया था। तो सपने में जो है माता ने उनको दर्शन दिए थे, तो उन्होंने फिर वहाँ जाके जो है वो अपना सपना जो है राजा वीरचंद को बताया था। और तब करके उन्होंने वीरचंद जी ने यहाँ पे ये नैना देवी टेम्पल जो है यहाँ पे बनवाया। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो है सती माता के जो है नैन गिरे थे, तब करके इसका नाम जो है नैना देवी टेम्पल बना हुआ है। और अभी देख सकते हैं आप यहाँ का ये सुंदर सा व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है ये शिवालय की पहाड़ियों पे। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने लोग जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हम तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, फिर उसके बाद ही हमने जो है माता जी के दर्शन किए यहाँ पे आके। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से भी नीचे को तो बहुत ही ज़्यादा गहराई थी यहाँ से नीचे को, तो यहाँ से नीचे को मतलब ऐसा डर जैसा लग रहा था देख के। तो गाइस ये है नैना देवी टेम्पल, इधर देख सकते हैं आप नैना देवी टेम्पल। तो अभी हम दर्शन करके आ गए हैं वापस, तो अभी जा रहे हैं हम गाड़ी के पास, तो अभी चलते हैं वापस। तो इधर देख सकते हैं आप, चलो चलो ये चलो पकड़ इसको, चलो बनाया भागो यहाँ से, अब चलो गाइस यहाँ पे रुके हुए हैं हम खाना खाने के लिए। आप अनायू क्या कर रहा है? गजरेला खाओ, गजरेला मम्मू गजरेला खाओ, आता धनिया गर्म धनिया ना गर्म। गाइस खाना अभी आ गया है हमारा, ये देख सकते हैं आप, इधर अनाया को देखिए गंदा। तो अभी खा देते हैं हम खाना। तो गाइस अभी आ गए हैं हम वापस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। तो आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अभी वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर देती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस, सपोर्ट कीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय।